पिछले 1-12-14 महीने से आश्रम की इनोवा गाड़ी से हो रही थी, उसी चोरी के संदर्भ में पिछले रविवार को दीनापुर का एक लड़का पकड़ा गया, हिमांशु नाम का। और जब इन दोनों से पूछताछ हुई तो इन्होंने कहा कि इस चोरी में आश्रम का इंदल भी हम लोगों के साथ सम्मिलित है। ठाकुरों के लड़कों को छोड़ दिया गया है और एक बिंद के लड़के को राजेश चौबे ने पूरे मुकदमे में अपराधी बना के और जेल भेजवा दिया। जो अप्रिय घटना घट सकती थी, हत्या हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, बलवा हो सकता था, भीड़ की आड़ में, महिलाओं की आड़ में, बच्चों की आड़ में कुछ लोग मेरी हत्या कराना चाहते थे। बांकी हाथ में था, गड़ासा हाथ में था, डंडा हाथ में था। मैं सचिव दिव्य लोक आश्रम राजेश चौबे। कल नवरात्र का पहला दिन था और मैं गाजीपुर अपने आवास से माँ दुर्गा का पूजा करके आश्रम पे कलश स्थापना के लिए निकला। और जब मैं आश्रम पहुँचा और जब ही मैं अपनी गाड़ी को खड़ी कर रहा हूँ, वहाँ पे लाठी डंडे के साथ महिला और पुरुष थे और उनका पूरा सुनियोजित एक प्लान था और उसके तहत उन लोगों ने हमला करने का प्रयास किया। पुरुष से जो भक्त वहाँ इकट्ठे थे उन लोगों ने बचाव किया। और एक चोरी पिछले 1-12-14 महीने से आश्रम की इनोवा गाड़ी से हो रही थी, उसी चोरी के संदर्भ में पिछले रविवार को दीनापुर का एक लड़का पकड़ा गया, हिमांशु नाम का। और उसने अपने एक पुलिस के पूछताछ के दौरान उसने दीपक नाम एक और लड़के को बताया। और जब इन दोनों से पूछताछ हुई तो इन्होंने कहा कि इस चोरी में आश्रम का इंदल भी हम लोगों के साथ सम्मिलित है। इस पे पुलिस ने अपना पूछताछ किया और गांव के लोगों ने बीच बचाव करके इस प्रकरण को, इस बार लड़कों को माफी देने की बात बड़े जोर शोर से कही और कही कि इस घटना की पुनरावृत्ति फिर नहीं होगी। इसके बाद इन तीनों को छोड़ दिया गया और बाद में कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों द्वारा प्री प्लांट करके एक भ्रम फैलाया गया कि ठाकुरों के लड़कों को छोड़ दिया गया है और एक बिंद के लड़के को राजेश चौबे ने पूरे मुकदमे में अपराधी बना के और जेल भेजवा दिया। नहीं, गांव के लोग थे, चौकी इंचार्ज साहब थे, एक समझौता हुआ, उस पर सभी लोगों की सिग्नेचर हुई और उसके बाद सबको छोड़ा गया, समझौते के बाद सबको छोड़ दिया। अब कुछ लोगों की कुछ पिछले कुछ सालों से अपनी कुछ योजनाएं रही हैं और ये प्रशासन का विषय है और हमने भी तहरीर दे दी है और जांच में मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह कल प्रशासन के चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष महोदय और जिले की पुलिस ने आके मौके पे एक जो अप्रिय घटना घट सकती थी, हत्या हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, बलवा हो सकता था, क्योंकि भीड़ की आड़ में, महिलाओं की आड़ में, बच्चों की आड़ में कुछ लोग मेरी हत्या कराना चाहते थे आश्रम को बर्बाद करने के लिए, उनका ये सुनियोजित प्लान पहले भी। घटना के पीछे सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका किसकी रही? इस घटना के विषय में सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका एक सतेंद्र बिंद नाम का लड़का है और जब प्रशासन उससे पूछताछ करेगा तो इस पूरा रहस्य खुल जाएगा कि इसमें कौन कौन लोग था। यह वही लोग बताएंगे कि उन लोगों ने इस सुनियोजित तरीके से किए गए हमले में कहां कहां से लोगों को इकट्ठा किया था, कौन कौन से लगभग। अब 700-800 लोगों से कम नहीं थे। बांकी हाथ में था, गड़ासा हाथ में था, डंडा हाथ में था। तो एक आदमी कितना गड़ासा, कितना बांकी और कितना डंडा झेलेगा, वो तो कह रहे हैं। फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों के माध्यम से चौकी इंचार्ज बरसरा और एसओ करंडा को और गाजीपुर के एसपी साहब को, जिन्होंने मौके पे को संभाला और स्थिति को नियंत्रण में किया। मैंने अभी तक प्रशासन से न कोई अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगाया है और उसका जो प्रोसेस है वो भी मुझे पता नहीं है। भविष्य में अगर आवश्यकता होगी तो आप लोगों के ही माध्यम से इस बात को भी उठाया जाएगा और मैं ये जरूर चाहूंगा कि एसपी साहब महोदय रविवार के दिन उस आश्रम पे काफी भीड़ होती है, 2-1 पुलिस के लोगों की व्यवस्था कर दें जिससे आश्रम में दर्शन पूजन का काम सुचारू रूप से चल सके। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।